जस्टिस नथालपति वेंकट रमन बने भारत के मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में जस्टिस नथालपति वेंकट रमन ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। ये नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े के स्थान पर की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस NV रमन को 24 अप्रैल 2021 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इस प्रकार बोबड़े के सेवानिवृत्त होने के बाद रमन ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर प्रभार संभाला है। NV रमन पहली पीढ़ी के वकील हैं और किसान परिवार से आते हैं। वे आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के पुन्नवरम गांव के निवासी हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केंद्रीय और आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है। वकालत करने के दौरान वे विभिन्न सरकारी संगठनों के पैनल अधिवक्ता थे। वे हैदराबाद स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में रेलवे के अधिवक्ता भी रहे हैं। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करी। इसके बाद एनवी रमन ने वर्ष 2000 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति पाई। फरवरी 2014 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति से पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे। उन्हें संवैधानिक, सिविल, श्रम, सेवा और चुनाव मामलों में विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने अंतर्राज्य नदी न्यायाधिकरण के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। पिछले कुछ सालों में जस्टिस रमन का सबसे चर्चित फैसला जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की बहाली का रहा है। चीफ जस्टिस के कार्यालय को सूचना अधिकार कानून यानी कि RTI के दायरे में लाने का फैसला देने वाली बेंच के भी जस्टिस रमन सदस्य रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश से पहले शख्स हैं जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। हालांकि तेलुगु की बात करें तो वो दूसरे होंगे, क्योंकि उनसे पहले के सुब्बा राव उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सुब्बा राव 30 जून 1966 को चीफ जस्टिस बने थे। आइए जान लेते हैं कैसे होती है इनकी नियुक्ति। मौजूदा नियमों के अनुसार सबसे सीनियर जज को प्रधान न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। कानून मंत्री सही वक्त पर वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश से उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगते हैं। CJI से सिफारिशी चिट्ठी मिलने के बाद मंत्री इसे प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं, जो नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।